Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Good morning, students. Hey, students, in previous lecture, we have seen the introduction about whole numbers. Now, in today's lecture, we will solve exercise 2.1. In exercise 2.1, in question 1, write the next three natural numbers after 10,999. Students, exercise 2.1 के question 1 में आपसे पूछा गया है कि ये जो नंबर है 10,999, इसके बाद के थ्री नेचुरल नंबर जो आपको पता करने हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो नंबर हमें गिवन है इसमें हम लोग 1 ऐड करते जाएंगे, कितने टाइम, 3 टाइम। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसे लिखूंगा 10,999। अब इसमें मैं 1 प्लस करूंगा। ओके, नाउ 1 प्लस जब हम करेंगे तो ये कितना मिलेगा हमें, 11,000। सिंपली कैसे, यहां पर ये कितना है 999, अब इसमें मैं 1 प्लस कर दूंगा तो ये सिंपली कितना हो जाएगा 1000 ये, और ये 10,000, टोटल कितना हुआ 11,000। नाउ ये हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर हुआ। नाउ सेकंड नेचुरल नंबर फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर ये जो नेचुरल नंबर मेरे पास आया है इसको मैं दोबारा से लिखूंगा। ओके, यहां पर मैंने लिखा 11,000 और इसमें अगेन 1 में प्लस करूंगा। ओके, तो यहां पर मुझे कितना मिलेगा, 11,001। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड नेचुरल नंबर हुआ। नाउ फॉर थर्ड नेचुरल नंबर, इसे मैं वापस से लिखूंगा। ओके, सेकंड नेचुरल नंबर को, नाउ अगेन इसमें मैं 1 ऐड करूंगा, 1 ऐड करने पर मुझे कितना मिलेगा, 11,002। तो अभी आप लोगों ने देखा यहां पर कोई भी नेचुरल नंबर अगर आपको दिया है और उस नेचुरल नंबर के बाद आपको बाकी के नेचुरल नंबर पूछे जाए तो आपको गिवन नंबर में 1 प्लस करना है। 1 प्लस करने पर जो नेचुरल नंबर आता है, ठीक है, उसमें अगेन 1 प्लस करना है, नेचुरल नंबर निकालना है, अगेन 1 प्लस करना है गिवन जो नेचुरल नंबर हमारे पास आता है उसमें, ठीक है, और अनदर नेचुरल नंबर हमें निकालना है। तो इसी तरह से आप 3 नेचुरल नंबर के बजाय और भी आगे नेचुरल नंबर निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन 2। इन क्वेश्चन 2 we have given that write the three whole numbers occurring just before 10,001। क्वेश्चन 2 में आपसे बोला गया है कि ये जो नंबर है 10,001, इससे पहले के जो थ्री होल नंबर्स है वे हमें फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस नंबर। ओके, नाउ हमें बोला है जस्ट बिफोर। ओके स्टूडेंट, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 1 सबट्रैक्ट करेंगे। नाउ सबट्रैक्ट करने पर कितना मिलेगा हमें, 10,000। ओके स्टूडेंट, तो ये जो है हमारा फर्स्ट होल नंबर हुआ जस्ट बिफोर 10,001। ओके, नाउ फॉर सेकेंड होल नंबर राइट डाउन दिस नंबर 10,000। ओके, नाउ अगेन सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 10,000, वी विल गेट 9,999। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज आवर सेकेंड होल नंबर अकरिंग बिफोर 10,001। ओके, नाउ फॉर थर्ड होल नंबर राइट डाउन दिस नंबर 9,999 एंड अगेन सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दिस नंबर, वी विल गेट 9,998। सो दीज थ्री नंबर्स आर आवर होल नंबर्स
जस्ट ऑकरिंग बिफोर 10001। स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन 3 विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3 में आपसे ये पूछा गया है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, तो ये हम देख चुके हैं अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन दैट अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि नेचुरल नंबर लिख करके जब नेचुरल नंबर की फैमिली में हम 0 मिला देते हैं तो होल नंबर्स बनते हैं और उसके अंदर फर्स्ट डिजिट क्या होता है होल नंबर्स में, 0। तो 0 जो है सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है, तो आवर आंसर विल बी 0। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन 4 हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। क्वेश्चन 4 में हमें यह पूछा गया है कि नंबर्स 32 एंड 53 के बिटवीन कितने होल नंबर्स आते हैं, तो सिंपली ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इन दोनों के अंदर जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसे हम लोग पहले लिखेंगे। ओके नाउ इसके बाद हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, बट आपको याद रखना है इतना ही हमें नहीं करना, इसके बाद हमें 1 को जो है सब्ट्रैक्ट करना है। जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तब आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर को लिखना है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है स्मॉलेस्ट नंबर को, और ऑलवेज 1 को साथ में हमें सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे सॉल्व करना है। नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस 2 कितना आया 1, नाउ 5 माइनस 3 कितना आया 2। नाउ यहां पर 1 को सब्ट्रैक्ट करना बाकी है तो उसे हम लोग ऐसे कैसे लिखेंगे, नाउ सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 21 वी विल गेट 20। सो देयर आर 20 होल नंबर्स बिटवीन 32 एंड 53। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अनदर वे इज दैट यू कैन सिंपली काउंट होल नंबर्स बिटवीन 32 एंड 53, बट रिमेंबर दैट डोंट इंक्लूड दीज टू नंबर्स। ओके व्हेन यू काउंट बिटवीन नंबर्स बिटवीन 32 एंड 53। स्टूडेंट्स इसका दूसरा वे ये है कि आप जो है 32 और 53 के बिटवीन होल नंबर्स आपको काउंट करने हैं तो आप 32 और 53 को काउंट नहीं करेंगे, इनके बिटवीन जो भी नंबर्स आते हैं उनको काउंट कर लेंगे, तो काउंट करने पर आपको उनके बिटवीन कितने नंबर्स आते हैं वे आपको पता लग जाएंगे। स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि इस वे से अगर हमें बिटवीन नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है जो मैं यहां पर लिखकर बताता हूं। यहां पर यह आपको याद रखना है, यहां पर GM इज ग्रेटेस्ट नंबर माइनस SM मतलब स्मॉलेस्ट नंबर और हमेशा 1 जो उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इस वे से जो है आप लोग किन्हीं भी दो नंबर्स के बिटवीन कितने होल नंबर्स आते हैं वे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इन क्वेश्चन 5 राइट द सक्सेसर ऑफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 5 में आपको जो नंबर्स गिवन है उनके सक्सेसर फाइंड आउट करने हैं। स्टूडेंट्स इन प्रीवियस लेक्चर we have seen that how to find successor of a given numbers. In previous lecture, I told you that whenever we find out successor of any number, we add 1 to given number. So, simply we can get the successor of the given number. Here, we will add 1 to given number. So, we can easily find out the successor of the given number. Yes, students,
यहाँ पर जो क्वेश्चंस हमें गिवन है उनके सक्सेसर फाइंड आउट करने के लिए जो है हम लोग वन जो है प्लस करेंगे, और वन प्लस करने पर जो भी नंबर आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो अगेन मैं यहाँ पर लिखकर बता देता हूं कि आपको सक्सेसर फाइंड आउट करने के लिए क्या याद रखना है। तो आपको याद रखना है सक्सेसर ऑफ गिवन नंबर्स इज इक्वल टू नंबर प्लस वन। यहाँ पर ये नंबर वो होगा जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस नंबर को पहले लिखिए नाउ सिंपली वन को क्या करना है हमें इसमें ऐड करना है। अब ऐड करने पर ये कितना होगा, इसके वंस में ये वन ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा टू। ओके, तो यहाँ पर जो नंबर आया है वह हमारा गिवन नंबर का क्या होगा, सक्सेसर होगा। नाउ क्वेश्चन बी, राइट डाउन दिस नंबर एंड ऐड वन टू दिस नंबर, सो वी विल गेट। ओके, सो दिस नंबर इज द सक्सेसर ऑफ गिवन नंबर। इन क्वेश्चन सिक्स राइट द प्रीडेसर ऑफ, स्टूडेंट्स क्वेश्चन सिक्स में जो क्वेश्चन नंबर हमें गिवन है उनके प्रीडेसर हमें फाइंड आउट करने हैं। नाउ किसी भी नंबर का प्रीडेसर फाइंड आउट करने के लिए आपको एक चीज रिमेंबर करनी है और वो ये है, यू हैव टू रिमेंबर दैट प्रीडेसर ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू नंबर माइनस वन। स्टूडेंट्स यहाँ पर किसी भी नंबर का प्रीडेसर आपको फाइंड आउट करना हो तो उस नंबर को लिखना है और उस नंबर में से वन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर हम लोग 94 का प्रीडेसर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 94 को राइट डाउन करेंगे और उसमें से वन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे कितना मिलेगा, 93। तो यहाँ पर 93 जो है वह 94 का प्रीडेसर होगा। नाउ इन क्वेश्चन डी राइट डाउन दिस नंबर। ओके, नाउ सिंपली सब्ट्रैक्ट वन, सो वी विल गेट दिस नंबर। सो दिस नंबर इज द प्रीडेसर ऑफ गिवन नंबर। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 6। नाउ वी विल सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चन इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।